हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए आपके लिए ये डबल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये। आप इसे बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह में या बड़ों की स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत इजी है बनाना, केवल सीधा उल्टे की बिनाई है ये। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और 2 फंदे हम अपने एज के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये 4 लाइन का बॉर्डर बना रखा है। अब बॉर्डर बनाने के बाद हमारी ये फर्स्ट रो है, राइट साइड है, और इसमें हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। सीधी तरफ से हम अपना अटैच कर रहे हैं कलर। तो एक फंदा हमने ये ऐसे ही निकाला, ये हमारी एज स्टिच है, एक्स्ट्रा है जो। अब यहाँ से हम ऐसे कलर चेंज कर लेंगे इसमें। तो हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे अपने सेकंड कलर से। तीन फंदे सीधे बिने, इसके बाद एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर से ये 4 ही रो का पैटर्न है, तो फिर से रिपीट होगा। 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे और एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर आगे से रिपीट हो जाएगा। एक फंदा स्लिप, फिर से 3 फंदे बिनेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। तो ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। 3 फंदे हमने सीधे बिनने हैं और एक फंदा हम बिना बिना उतारेंगे। अब ये लास्ट का एक फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको हम सीधी बिन लेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सेकेंड रो में हैं, रॉन्ग साइड है हमारी। इसमें देखिए ये तो हमारी एज स्टिच है, इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर जो फंदा हमने स्लिप करा था, इस बार भी हम इसे स्लिप कर लेंगे और धागे को पीछे करेंगे। और ये दो जो 3 फंदे बिने हुए थे, इनको हम सीधा बिन लेंगे। ये 3ों फंदे हम सीधे बिन लेते हैं। उसके बाद धागे को आगे करेंगे और ये फंदा जो बिना बिना उतारा था पीछे, वो इस बारी ऐसे ही उतार लेंगे। फिर धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे। फिर से रिपीट होगा। देखिए धागे को अपनी तरफ करा, एक फंदा स्लिप करा, फिर धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। धागा आगे करा, एक फंदा उतारा, धागा पीछे करके जो फंदे बिने हैं उनको दोबारा से बिन लेंगे। तो ये 3 फंदे हमने सीधे बिने। धागा आगे करके फिर स्लिप वाला फंदा स्लिप करेंगे और बिने हुए फंदे सीधे बिन लेंगे। अब ये हमारी एज स्टिच है, तो इसको धागे को आगे करके उल्टा बिन लेंगे। अब हम फिर अपनी राइट साइड में है, थर्ड रो है हमारी, और इस रो में भी हमारा कलर चेंज होगा। अब फिर से हम अपना फर्स्ट कलर लगाएंगे जिससे हम पहले बिन रहे थे। ये तो हमारी एज स्टिच है, इसको तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे बिना बिने। अब देखिए जो 3 फंदे हमने बिने थे, उनमें से अब बीच वाला फंदा हमारा स्लिप होना चाहिए। तो ये एक फंदा हम इसका सीधा बिनेंगे नेक्स्ट फर्स्ट वाले कलर से, और ये बीच वाला फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर अब यहाँ से पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 फंदे अब हमें बिनने हैं, 1, 2, 3, और इसका ये बीच वाला फंदा जो है ये स्लिप होगा। फिर से आगे पैटर्न वही रिपीट होगा। 3 फंदे हमने बिनने हैं और ये बीच वाला फंदा जो है वो स्लिप हो जाएगा। तो ये देखिए हर बार ये बीच वाला फंदा ही आएगा। ये जो 3 फंदे हमने बिने थे पिछली बार, उसका बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है इस बार, बिना बिना उतारना है। तो फिर से 3 फंदे हम बिनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे बिनेंगे
और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब लास्ट में हमारे पास ये तीन ही फंदे बच रहे हैं, तो इनको हम बिन लेंगे। ये तीनों फंदे हमने बिन लिए, थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी फोर्थ रो में हैं, रॉन्ग साइड है, इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। इसमें कोई भी फंदा हम छोड़ेंगे नहीं, सारे फंदे देखिए स्लिप करा हुआ फंदा भी हम उल्टा बिन रहे हैं, तो इसमें सारे फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये चार रो बनने के बाद हमारा एक बार ये डिजाइन बन गया है, ये देखिए ऐसा लुक आएगा इसका। अब हमें ये वाला जो ये इन तीन फंदों में डिजाइन पड़ा है वो हमें यहाँ पे बीच में लाना है, इन तीन फंदों में लाना है। तो अब हमारी ये फिफ्थ रो है, राइट साइड है। फिर से हम अपना सेकंड कलर चेंज करेंगे, एक एज स्टिच ऐसे ही निकालेंगे और अब हमें इन तीन फंदों में अपना डिजाइन लाना है, सॉरी इन तीन फंदों में डिजाइन लाना है, इसमें इसमें और इसमें, क्योंकि ये बीच के फंदे हैं। तो इसमें से पहला फंदा हम सीधा बिन लेते हैं, पहला फंदा हमने सीधा बिना, एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब हमारा पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा, तो फिर से वही पैटर्न स्टार्ट होगा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिने, एक फंदा स्लिप करा, फिर तीन फंदे सीधे बिने और एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर से तीन फंदे सीधे बिनेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे, आगे के फिर तीन फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप कर लिया। लास्ट में हमारे पास ये तीन फंदे सीधे बचेंगे, इनको हम सीधे सीधे बिन लेंगे। ये एंड के तीनों फंदे हमने बिन लिए, तो ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब सिक्स्थ रो में भी हमें वही करना है, जो फंदे हमने बिने हैं वो बिनने हैं और जो स्लिप करा है वो स्लिप करना है। तो पहला फंदा ये एज स्टिच है, निकाला धागा पीछे करेंगे और ये दोनों फंदे हम सीधे बिन लेते हैं। अब इसको स्लिप करना है तो धागे को पहले आगे करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, स्लिप करा हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करके फिर बिने हुए फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, धागा आगे करा, एक फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करके बिने हुए तीन फंदे बिन लेंगे सीधे सीधे। तो ये पूरी रो इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदे हमने बिने हैं वो हम बिन लेंगे सीधा और जो स्लिप करा हुआ है वो स्लिप कर लेंगे। अब लास्ट की जो एज स्टिच बची है इसको हम धागा आगे करेंगे और उल्टा बिनेंगे। फर्स्ट कलर यूज करेंगे, एक एज स्टिच हमने ऐसे ही निकाली। अब देखिए ये तीन फंदे, इन तीन फंदों में से ये बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है, जो सेकंड कलर की जो तीन फंदे हमने बिने थे उसमें से बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है, तो इसको हम स्लिप करेंगे। तो ये तीन फंदे हम बिनेंगे, ये तीन फंदे बिने और ये वाला फंदा स्लिप कर लिया, फिर आगे के तीन फंदे बिनेंगे, एक दो तीन, और ये वाला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर से आगे के तीन फंदे बिने, ये फंदा स्लिप कर लिया। तो ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम अपनी। तीन फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब लास्ट की एज स्टिच बचेगी उसको हम सीधा बिन लेंगे। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं, एट्थ रो है हमारी, ये हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम सारे फंदे
इस तरीके से उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी फंदा हमें बिना बिना नहीं छोड़ना है। ये देखिए, एक बार हमारा ये डिज़ाइन बन गया है, अब इन्हीं 8 रो को हमें आगे कंटिन्यू करना है। जितना भी बड़ा हमें प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इन्हीं 8 रो को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, जब आप इन्हीं 8 रो को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप को डिज़ाइन इस तरीके से दिखेगा कुछ। ये इन्हीं को आप आगे जब बनाते जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, बड़े में साफ दिखेगा आपको ये। थैंक यू।